बात बताता हूँ कि शुरू से इसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। पिछले 4-5 महीनों से मैं इस जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है इसकी मन से शुरू से गलत रही है। इन्होंने जो भी फैसले दिए हमारे खिलाफ दिए, जो भी फैसले दिए 6 तारीख को जो फैसला दिया, हमने कहा कि 250 वोट मृत्यु वोट है भाई, ये इनकी बाड़बंदी इलीगल है। इसने कोई बात नहीं मानी हमारी, इसने चुनाव को बड़गा के रखा। 2 दिन पहले इसने फैसला दिया चुनाव के, 7 तारीख को हमारे पास फैसला है और 10 तारीख को चुनाव घोषित कर दिए। उसके बाद इन लोगों ने 19 तारीख तक कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई पत्राचार नहीं किया। 19 तारीख के बाद जब चुनाव हार जाते हैं सोसाइटी के सारे चुनाव संपन्न हो गए। उसके बाद शशिभूषण सैनी ने जो हमारे पूर्व प्रधान है, वो आदमी शुरू से ही उसकी बदनीयति रही है और उसके मन में पता नहीं स्कूल में ऐसा क्या था, उसको क्या मोह लग रहा है कि स्कूल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैं पिछली बार चुनाव हारा, मेरी पूरी टीम 3 साल तक कोई आरोप नहीं लगा, कोई मैंने किसी के खिलाफ समाज के खिलाफ कोई बात नहीं की। 3 साल तक मैं स्कूल में नहीं गया। 18 तारीख कोई स्कूल में घुसा, जिस दिन चुनाव की लिस्ट लगी थी। उसके बाद से ये आरओ जो है ना रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट ईश्वर सिंह, ये महाभारत और चोर आदमी है। 11 तारीख को हमारी तारीख लगती है, ये लिख रखा इसमें देखो, ये 11 तारीख को हमारी तारीख लगती है। 11 तारीख को वे तो तारीख मांग रहे कि हमें तारीख दी जाए, हमारे पास हमारी फाइल नहीं आई चंडीगढ़ से, इसने मेंशन कर रखा है और ये हमारे काम रोकने का ऑर्डर दे रहा है। अरे भाई फाइल आई नहीं, ये कोई काम रोकने की बात नहीं कर रहे, ये काम रोकता है 11 तारीख। कुछ ज्यादा पहले दिन पैसे उन्होंने कहा कि हमें टाइम दिया जाए, हमारी फाइल चंडीगढ़ से नहीं आई है। शशिभूषण सैनी धर्मेंद्र सैनी वकील एडवोकेट साहब। उसके बाद हमारी तारीख रखते 18 तारीख की। 18 तारीख को यहाँ प्रेजेंट नहीं, इसका फोन आता है दोनों पार्टी आ गई तो मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाओ। भाई ऐसी क्या आफत आ रही थी, आज तक कोर्टों में नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कराओ। हमारे वकील साहब ने कहा भाई साहब ऐसा तो कभी नहीं होता, 18 तारीख को आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करा क्या पता रही है। लोगो नहीं, आप अपने बात करिए, ये मेरा काम है, इसकी मंशा शुरू से गलत रही है। IAS यादव ये आदमी शशिभूषण सैनी, इसकी कलम होती है शशिभूषण सैनी की जबान होती है, ये वो लिखता है जो शशिभूषण कहता है, इसमें कहीं भी नहीं है। देखो इन्होंने कोलिजम को चुनावों को चैलेंज करा, स्टेट रजिस्ट्रार को कोलिजम को चैलेंज करा है, 19 आदमी ने कोलिजम को चुनाव को चैलेंज करा। और ये लिख रहा है कि जो हमारी बॉडी नहीं है उसको हटाया जाए, और 6 वोट पड़ी नहीं, 3 वोटों का कोई सबूत नहीं। आप ये देखिए कभी भी कोई कोर्ट में जाता है ना सर, तो एफिडेविट मांगा जाता है, क्यों एफिडेविट दो जब बात बनी, कहें आप सब समझदार हो। ये इन्होंने केस डाला शशिभूषण सैनी ने, ये 6 वोटों का आरोप लगाया, मैं आपको सारी कुछ करता हूँ, ये सारे आरोप लगाए, इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति का एफिडेविट नहीं है। आप देखिए इस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को इतना अंधा हो रहा है, कहीं भी किसी व्यक्ति ने कोई एफिडेविट नहीं दे रखा। सिंपल एप्लीकेशन पता है किसकी एप्लीकेशन है, सिर्फ शशि कहता है कि भाई 11 वोट गलत डाली, उसमें 6 तो निराधार निकल गई। जिस भी की भी कोई भी केस होता है उसमें कोई भी एक भी पॉइंट कम हो जाता है केस खत्म हो जाता है। उस पर 3 वोट डली है, एक ममता की, उसके पिताजी ने उनके तीनों पिताजी का और उनका सबके बयान हुए कि हमें तो व्हाट्सएप पे आया था इसलिए हमें गलतफहमी होगी, हम अपनी रिपोर्ट वापस लेते हैं। ये चौकी भाड़वास का मामला है, ये है सिटी थाने का, तीनों पिता और भाई ने इसमें एफिडेविट दे उन्होंने बयान दे दी कोर्ट चौकी में, चौकी में मामला निराधार पाएगा। अरे जो हमारा पत्रकार बंधु है, जो पत्रकार है कहता है, है नहीं, वो आदमी जाता है किसी प्रेस के पास, कहता मैंने चेतना को फर्जी वोट डालना है, जबकि वो गलत है, वहां भी उसका कोई नहीं पाया ना, उसमें फर्जी वोट का कोई कार्ड है, सारी रिपोर्ट सबके बयान है, आरओ के बयान है, आरओ ने बयान दिए कि 6 वोट पड़ी नहीं, 3 वोट पड़ी, उनका कोई एफिडेविट नहीं है। इसमें हारने वाला कोई आदमी हमसे, हारने वाला कोई कैंडिडेट दावा नहीं कर रहा, सिर्फ शशिभूषण सैनी, धर्मेंद्र सैनी, हरिसिंह सैनी, ये जो जीतने वाला आदमी है ये दावा कर रहे। अरे दावा तो वो कर रहे हारा हो। और ये जो IAS यादव है, ये तो इतना भ्रष्ट अधिकारी है, इतना भ्रष्ट अधिकारी है, इसने तो अति कर दी। अरे कहा होती है भाई साहब कोई सबूत तो चाहिए, मैं कोर्ट में जाऊंगा एफिडेविट दूंगा, भाई मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं सामने होकर पेश होऊंगा कि मैं इसने मेरे वोट गलत डाले। ये 11 वोटों में 6 वोट डली नहीं, 3 वोट जो डली है, 1 वोट मृत्यु है, जिसका हम पहले भी क्लेम कर चुके हैं कि भाई मृत्यु वोट काटी जाए, इनकी मंशा थी, इन्होंने इसको इन्होंने पता था कि मृत्यु वोट कौन चढ़ ली है, वो वोट का दावा करो। 1 वोट से 6,000 के वोट के चुनाव कैंसिल हो सकते हैं क्या, कहीं रिकॉर्ड में है क्या? हमारा तो मतलब 28-12 का जो फैसला है
भाई बिल्कुल गलत सर, सर मैं दावा करता हूँ इसकी इसकी मंशा बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहीं भी इसको जो हमारी बॉडी को चैलेंज नहीं किया। इन जो परिवादी है जिन्होंने हमारे पर केस डाला शशि भूषण आदर्श, इन्होंने कहीं भी कोई चैलेंज नहीं किया कि भाई ये जो बॉडी बनाई वो गलत बनाई है। इन्होंने कोरिज्म को चैलेंज किया है और ये फैसला दे रहा है हमारी जो बॉडी बनी है गवर्निंग बॉडी को चैलेंज कर रहा है। जबकि कहीं देखो जो फैसला है ना उसमें कहीं नहीं दिख रहा है, उसने कहा है कि भाई ये मेरे खेत ये मतलब डिस्पोज कर दिया हमारे केस। उसमें सिर्फ इन्होंने 3 एलिगेशन लगाए थे, एक तो 11 वोट फर्जी और 2 इनके मुकदमे दर्ज है आधार कार्ड वाले, उनकी मैंने आरटीआई दे दी आपको और यहाँ भी दे दी हमने, इसको भी दे दी। हमारी बात तो सुनता ही नहीं थी इसने हमारी बात। आप ये अंदाजा लगा रहे ना, वो आदमी तो तारीख मांग रहा है और ये हमारा काम रुकवा रहा है। इसमें सपा दिखाई थी साइकिल दिखाऊं, 11/11/2022 का ये शुरू से ही हमारे खिलाफ था और इसने ये तो भाई हम चुनाव जनता ने जिताए। आप सब भली भांति उसको अच्छे से जानते हो। हम चुनाव जीतने के बाद संस्था को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, पर हमारे साथी उसमें बार बार कंप्लेन करके स्टेट रजिस्ट्रार चंडीगढ़ को उन्होंने एक शिकायत दी। उस शिकायत के संबंध में स्टेट रजिस्ट्रार ने 14/10/2022 को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को उस शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रेवाड़ी को वो जांच भेजी गई। वो रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें 5.1 और 5.2 पैराग्राफ में ये एलिगेशन लगाए गए कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर वोट डाली गई, जिसकी जांच पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई। उस जांच में यह पाया गया कि कहीं भी कोई भी फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाया गया है, कोई भी फर्जी वोट नहीं डाली गई है। उस पुलिस की जांच की आरटीआई रिपोर्ट आपकी सेवा में, ये दो कंप्लेंट्स थी, एक मॉडल टाउन थाने की एक सिटी थाने की, दोनों आरटीआई की रिपोर्ट आपकी सेवा में यहां हाजिर है। ये रिपोर्ट है आरटीआई की रिपोर्ट दोनों, जिसकी जांच में ये पाया गया है कि कोई भी फर्जी वोट नहीं डली है, कोई फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाया गया। दूसरा, जो स्टेट रजिस्ट्रार ने दूसरा एलिगेशन जो है उसमें उन्होंने ये बताया कि आप ये जांच करें, उस कंप्लेंट में ये जांच करें कि गवर्निंग बॉडी को लेकर आप उसकी जांच करें, पर कहीं भी कोलिजम पर कहीं भी इस रिपोर्ट में ये गवर्निंग बॉडी को लेकर जिक्र नहीं है। कोलिजम को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने गवर्निंग बॉडी को डिसॉल्व करने की बात कही गई है, पर कहीं भी स्टेट रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट मांगी उसमें कहीं भी गवर्निंग बॉडी के बारे में ना कुछ पूछा है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो इस रिपोर्ट से ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की मंशा इसको लेकर सही नहीं है। हमारा जो गवर्निंग बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के द्वारा ही अप्रूव्ड किया गया था। ये उसकी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की कॉपी है जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया था। हाँ, तो ये सब चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसमें ये दोबारा से जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार को इसके संबंध में दोबारा से इसको वापस भेजा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी बात गवर्निंग बॉडी को लेकर नहीं की गई है। तो इसके संबंध में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट आप इसकी आप भी इसको गहनता से जांच करें और जो सच्चाई की जीत मुझे लगता है कि हुई है, जितने भी एलिगेशन समाज के लोगों पर हम पर लगाए गए थे वो सारे बेबुनियाद निकले हैं, उसकी रिपोर्ट को आप जांच करें। पर मैं अंत में यही चाहूंगा
कि जो रिपोर्ट और जो सच्चाई के साथ जो रिपोर्ट आपके सामने आई है उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट आप उसको रखेंगे, और यही मेरा दूसरा पॉइंट था। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा पक्ष भी यही कह रहा है, 28 दिसंबर को जो एक रिपोर्ट आई डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रार की तरफ से, उनकी जीत हुई है, आप कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि अभी मान लिया गया है कि बोगस वोट डले हैं जी, आप कह रहे हैं कि बोगस वोट नहीं डले हैं दूसरी इंक्वायरी के। सर ये जो पॉइंट है इसमें 11 वोटों का जिक्र किया गया है, उनका स्टार्टिंग से ये कहना है कि 11 वोट डले हैं, 11 में से आरओ की रिपोर्ट ये कहती 6 तो वोट ही नहीं डले हैं, रिटर्निंग ऑफिसर का ये कहना है, और वो उन्होंने 11 वोटों की कंप्लेन लगाई हुई है जिसमें से एक वोट मृत का है। इलेक्शन से पहले ही हमने कॉपी आरओ को सबमिट करा दी थी कि मृत वोटों को काटा जाए, जिसके संबंध में हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने ये कहा था कि हमने उनको हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है उसमें सारी चीजें इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये ऐसी भी कोई भी चीजें नहीं हुई है। 2-3 वोटों का वो मामला है, वो प्रधान जी आपको बताएंगे क्या था उसका मामला।